एक दिन मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई लड़का आया मेरे पास आके खड़ा हुआ है, और फिर मेरी आंखें तो बंद है, मेरे पास आके बैठ गया। मैं अब अपने आप में डर रही हूँ कि पता नहीं कौन आके बैठा है। थोड़ी देर वो लड़का, मतलब जितनी देर मैं करती रही, जैसे ही मैंने मेडिटेशन बंद किया, मैंने अपनी आँखों पर हाथ रखे तो वो लड़का खड़ा होकर के पास में खड़ा हुआ, मुस्कुराया, फिर चला गया। मैं श्यामा शर्मा हिमाचल से आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं पहले मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेडिटेशन क्या होता है मुझे ये भी पता नहीं था। मैं वैसे ही इसका मजाक बनाती थी, क्या मेडिटेशन है। एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा, जो दिल्ली में रहता है, तू मेडिटेशन क्या कर, और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं कहा, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं रहती, मैं एक घंटा कहाँ बैठ सकती हूँ। तो कहते, नहीं तू मेडिटेशन कर। मैं मेडिटेशन करने लगी, उससे मेरी तबीयत में काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैं मतलब जो बीमार रहती थी रोज़, मैं सुबह 4 बजे उठना, 3 बजे मेरी खुद ही आँख खुल जानी, 3 बजे फिर मैं उठ उठ के टाइम देखना, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो 3:30 हुए हैं, कभी 3:40, ऐसे मैं रोज़ मेरी आँख खुल जानी। और ऐसे मैं मतलब 4 बजे उठ के नहाना धोना और करना शुरू कर दिया, और मेरे शरीर में इतना फ़र्क पड़ा कि ऐसे मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, नहीं तो मैं पूरा दिन सोई रहती थी, मेरा कोई काम करने को मन ही नहीं करता था कि मैं कोई काम करूँ। जैसे ही मैं ये करने लगी, अगर मैं किसी दिन सोई हुई हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मुझे किसी ने आके उठाया, दोनों हाथ मेरे मुंह पे डाले, पे मैं फटाफट उठी। मैंने कहा, हाँ किसी ने मुझे उठाया, आज तो ये होना है, मैं तो आज उठी नहीं हूँ, तब मैंने उठ जाना। एक दिन मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई लड़का आया मेरे पास आके खड़ा हुआ है, और फिर मेरी आंखें तो बंद है, मेरे पास आके बैठ गया। मैं अब अपने आप में डर रही हूँ कि पता नहीं कौन आके बैठा है। थोड़ी देर वो लड़का, मतलब जितनी देर मैं करती रही, जैसे ही मैंने मेडिटेशन बंद किया, मैंने अपनी आँखों पर हाथ रखे तो वो लड़का खड़ा होकर के पास में खड़ा हुआ, मुस्कुराया, फिर चला गया। तो ऐसे मेरे साथ होता रहा। फिर न्यू एनर्जी चल रही थी, उसमें बहुत सारी औरतें आके कमरे में बैठी, तो ये कोई खड़े थे, कोई बैठे, मैं किसी को नहीं जानती थी वो लोग कौन थे, मैं किसी को नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। एक दिन मैं सपने में मैंने देखा, मैं उठी नहीं उस दिन, मेरे कुछ तो ऐसे ही था, मन नहीं किया, तो ऐसे लगा सपने में दो औरतें पहले अंदर आई, कह रही हैं पत्री जी आए हैं। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा, हम पत्री जी आए हमारे घर में। मैंने अपने बेटे को कहा, मैं क्या बेटा देखो पत्री जी आए हैं हमारे घर में। तो वो जो लेडीज़ दो अंदर आई थी, वो कहती हैं कि पत्री जी है ना अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। तो वो बाहर ही बैठी गए चेयर पे, कह रहे हम अंदर नहीं आएंगे। तो इतने में मेरी आँख खुल गई कि पत्री जी आए हैं। और उसके बाद मेरे, जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, मेरा शरीर पूरा ऐसे हो जाता है जैसे ठंडा बर्फ़ की तरह, मुझे कुछ नहीं पता रहता कि मुझे ये क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ठंडी पड़ जाती हूँ, ठंडी पड़ जाऊँगी, कभी टांग सोनी पड़ जाएगी, कभी टांग अपने आप ही हिलनी शुरू हो जाएगी कि टांग हिल रही है, ऐसा मतलब होना शुरू हो जाता है। मैं ये जिसको देखो वही मेडिटेशन कर रहा है हमारी फैमिली के अंदर, और मैंने सबका मजाक बनाया और सबने हंसना और फ़ोन भी सबने करने बंद कर दिए कि वो मेडिटेशन करते हैं, उसमें यही कहते हैं कि मौन रहो, मौन रहो। मैंने कहा मौन अच्छी है मेडिटेशन है कि हालचाल पूछने से भी गए ऐसा मेडिटेशन, मैं मुझे तो करना ही नहीं है ऐसा मेडिटेशन जो किसी का हालचाल भी नहीं पूछना है, अरे छोड़ो हमें नहीं करना। तो जैसे मैं बीमार रहती तो मेरे भाई ने कहा तू मेडिटेशन ही कर। तो मैंने पहले शुरू में करना, 10 मिनट करना, 15 मिनट करना, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद टाइम देखना कि पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे बैठे हुए। फिर मैं जब ये JTTP चालू हुआ तो मुझे ये कहते हैं अब तू इसमें मतलब फार्म भरो, ये चालू करो।
तब से फिर मैंने मतलब पहले तो बिना नहाए बिस्तर में बैठ जाती थी करने के लिए, बिस्तर में बैठ जाना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहा के बैठना चाहिए, तो मैं नहाना शुरू किया 4:15 बजे। तो नहीं तो मैं बिना नहाए ऐसे ही बिस्तर में बैठ जाना, चलो जी करना, थोड़ी देर करना, नहीं करना, फिर अपने आप ही मजाक बनाना मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताना, ये तो बेकार है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, ऐसे बैठ जाती हूँ करने के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टाइम देखती रहती हूँ। फिर एक दिन जब मैं करने लगी तो फिर मुझे अच्छा फील होने लगा। 10 बीमारियाँ थी, रोज़ डॉक्टर के पास जाना, इतने इतने पैसे देने, आज ये टेस्ट है, कल वो टेस्ट है, मैं उनसे बच गई। और मैं अब बहुत अच्छी तरह से घर का काम भी कर लेती हूँ, किसी को नहीं कहती कि ये काम करो, जो है मैं सारे काम खुद करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं तो कहती हूँ अब जाके इतनी उम्र में इस चीज़ का पता चला, काश पहले पता चलता मेडिटेशन का, तो चलो अब भी देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है। तो एक दिन कॉस्मिक वैली के बारे में बता रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ के बारे में भी बताया जहाँ मैं अब इंटरव्यू दे रही हूँ, कि मैं यहाँ कहाँ जाऊँगी, कहाँ हिमाचल, कहाँ हैदराबाद, मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे दिल में आ रहा था कि मैंने जाना है। तो एक दिन मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा आज ना बता रहे थे उसके बारे में, मुझे वहाँ हैदराबाद जाना है, पर मैं तो सोच ही सकती हूँ, जा नहीं सकती हूँ। कहता अगर मतलब कभी ऐसा मौका मिला, हो सकता है भगवान ने तेरे को बुलाना होगा तो तू जाएगी, तो हिम्मत क्यों हार रही है। मैंने कहा मैं कहाँ हिमाचल, कहाँ वो हैदराबाद, मैं कहाँ जा पाऊँगी। लेकिन ऐसे आज यूनिवर्स ने मुझे यहाँ बुला लिया और मैं आ गई। मैं सब लोगों को यही बताना चाहूँगी, ध्यान में आओ, ज्ञान पाओ और ध्यान करो। सबको ही मैं तो यही बताना चाहती हूँ, ध्यान में आओ, मेडिटेशन करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बीमारियाँ जाती हैं, सब कुछ जाता, बीमारियाँ जाती हैं, पैसा भी आता है, सब भगवान सही करते हैं, सब कुछ सही होता है, इसी में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इसी में शिव जी आ जाते हैं, इसी में माता भी आ जाती है, सब ध्यान में ही आ जाते हैं। पूजा पाठ में नहीं रखा कुछ भी, जो कुछ ध्यान में है। हमने तो इतना टाइम ख़त्म कर दिया ध्यान यही पूजा पाठ करते हुए, कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करने बैठे तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दुनिया को, सबको, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको यही कहती हूँ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। 3 को तो मैंने लगा भी दिया है इस काम में, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ सबको। अभी 2-3 तो और कह रही हैं कि हमें टाइम दो, तो मैं अभी दूँगी सबको टाइम, और 3 को तो मैं अपने पीछे लगा चुकी हूँ, 3 ही करती हूँ। थैंक यू, लव यू सभी मास्टर को, पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।